नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जो एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2020-21 हो रही है उसमें जो गणित का पेपर पूछा गया है उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न एक में था सही विकल्प चुनकर लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपको पता होंगे, 0 0 होते हैं, और वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और वर्ग अंतराल 90 से 100 में निम्न सीमा होगी 90, और एक बिंदु 3 5 है, भुज का मान कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखिए 1/2 में 2 का गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 उत्तर आएगा। फिर देखिए इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो 8 और 8 16 होगा, और फिर 3 और 7 10 और 1 हासिल की 11, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3.16 राइट आंसर होगा। 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे जब एलसीएम लोगे तो 2/2 आएगा, और 2/2 का मतलब होता है 1, इस वजह से इसका आंसर आप 1 लिखना। आगे देखिए 1/4 का दशमलव रूप होता है 0.25 होता है। फिर देखिए 3/4 में से 1/4 आप घटाएंगे, 2/4 लिख रहे हो तब भी आंसर सही है, और यदि हमने 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कर दिया, 1/2 भी आंसर सही है। इसके बाद प्रश्न 3, सत्य असत्य, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बिल्कुल सत्य है। अब देखिए छायांकित भाग देखें तो 1 2 3 है, 3/4 होना चाहिए, लेकिन इनने लिखा 1/4, गलत हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, नहीं, समद्विबाहु के 2 कोण बराबर होते हैं, तीनों बराबर नहीं हो सकते। घनाभ में 6 फलकें होती हैं, बिल्कुल सत्य। असंभव घटना की प्रायिकता 1, 1 नहीं होती, 0 होती है, इसलिए यह भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो ध्यान रखना चर की अधिकतम घात 1 होती है, इसमें x वर्ग का गुणांक, तो x वर्ग के आगे देखिए यहाँ कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, तो यहाँ -1 होगा गुणांक। फिर वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्य मान, मतलब बीच की संख्या, तो कितनी होगी, 15 होगी। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता होती है 1/2, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। इसके बाद देखिए सही जोड़ियां बनाइए, -3 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5। तो पहले की सही जोड़ी आप इससे मिलाएंगे, और जो हीरोन का सूत्र होता है उसमें s बराबर होता है a+b+c/2 होता है, तो ये हो जाएगा सेकंड की सही जोड़ी। अब 3/4 में 8 का गुणा करेंगे, 4 2 8, 2 बार 2 3 6, तो 6 आएगा इसका उत्तर, तो तीसरे की सही जोड़ी ये होगी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो चौथे की सही जोड़ी ये हो जाएगी। फिर किसी घटना की प्रायिकता पीई और पीई नॉट जो होता है उन दोनों का योगफल होता है 1, तो पांचवे की सही जोड़ी ये हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखे 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर। धन्यवाद।